नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं, आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी जाने की आज के दिन के बाद तमाम बीडीसी चेयरमैन, सरपंचिस और पंचिस की पावर जो है वो खत्म होने जा रही है, यानी कि उनका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए तो मौजूदा डीडीसी जाने की डीडीसी मेंबर जो है वो मौजूदा जो है एक पॉलिटिकल अगर लीडर अगर माना जाए तो वो सिर्फ एक्टिव रहेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए तो आप सब जानते ही हैं, काफ़ी लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं वो असेंबली के चुनाव की बात कर रहे हैं। और अब बात की जाए तो तमाम सरपंचिस और पंचिस का भी टेन्योर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। और अब अगर देखा जाए तो जो इस समय हालात लग रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के यही हैं कि आने वाले दिनों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब अगर बात की जाए सरपंचिस पंचिस के चुनाव की, या फिर बीडीसी चेयरमैन जो सरपंचिस पंचिस चुनते थे, या फिर एक एमएलए का अगर चुनाव की बात की जाए, तो जिस तरह से अब लग रहा है अब तो यही कहा जाएगा कि लगभग एक साल तक या फिर 7-8 महीने तक कोई चुनाव होने के आसार जो है वो नहीं लग रहे हैं। अब बात ये उठती है कि अगर सरपंचिस पंचिस के चुनाव फिलहाल नहीं होते हैं और मौके मौजूदा अगर किसी को कोई काम पड़ता है, कोई भी जिस तरह से पिछले दिनों कहा गया था कि कोई कंस्ट्रक्शन कर रही हो उसकी भी घर के लिए भी एक परमिशन जो है वो आप पटवारी से लेंगे, एक टीम जो है वो बनी गई थी जिसमें एक आप सरपंच से भी जो है एक परमिशन लेंगे कि हम लोग जो है वो अपना घर बनाने जा रहे हैं या कोई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसके लिए आपको अगर CLU लेना है तो उसके कई सारे दस्तावेज जो हैं वो बनाने पड़ते हैं। और अगर घर बनाना हो आपको रहने के लिए तो तब एक सरपंच से भी आपको जो है वो ज़रूर परमिशन जो है वो लेनी होगी। अब अगर देखी जाए तो आज के बाद कल से यानी कि 10 जनवरी से ना ही आपके पास कोई मौजूदा सरपंच होगा ना ही कोई पंच होगा। तो अब अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई ऐसी परमिशन लेनी है तो यहाँ तक हमें संज्ञान है, अब मौजूदा जो लंबरदार है आप उससे जाकर परमिशन ले सकते हैं। जाने की अगर आपके किसी बच्चे को अगर कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको सरपंच के पास जाना पड़ता था और अनिवार्य भी है, जरूरी भी है, क्योंकि जो जिस पंचायत में कोई शख्स रहता है अगर उसको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो सबसे पहली जो मेन जो स्टैंप रहती थी, जो मोहर रहती थी, जो रहती थी वो रहती थी सरपंच की। और अब अगर सरपंच आपके पास नहीं है तो यहां तक हमें लग रहा है अब आपको वो मोहर जो है वो लंबरदार से लेनी है। और इससे पहले भी ऐसा होता आया है, अब आप लंबरदार से वो परमिशन लेंगे और आप आगे जाकर अपना दस्तावेज जो है वो पुलिस चौकी पर या थाने पर या DYSP के ऑफिस जाकर आप अपना दस्तावेज जो है वो बनवा सकते हैं। तो ये चीज एक तरफ रह गई। दूसरी तरफ अब अगर काम की बात की जाए, अगर BDC चेयरमैन नहीं होगा, जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन रहता है, जो आपकी ब्लॉक की जो है वो डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल उसकी चेयर थी, एक चेयरमैन था, अब अगर उसकी बात की जाए तो उसके बाद हमें लग रहा है कि अब ब्लॉक की जिम्मेवारी जो है वो शायद BDO के पास रहेगी। अब BDO यानी कि पूरे ब्लॉक की जो है वो डेवलपमेंट देखेगा और साथ में ही जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर DDC है वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी काम होंगे उसके अंतर्गत होंगे। जो भी कोई काम करवाना होगा, अब आपको कोई गली बनवानी है, कोई आपको नाली बनवानी है, उसके लिए आपको जो है वो किसके आगे गुहार रखनी है, तो अब यहाँ तक हमें लग रहा है कि DDC के पास वो पावर होगी। आप DDC के पास जा सकते हैं, अपना काम जो है वो रख सकते हैं। पर तमाम उन लोगों को बता दूं कि अब आपके पास ना ही सरपंच रहेगा आज के बाद, ना ही आपके पास पंच रहेगा, ना ही आपके पास BDC चेयरमैन रहेगा। और इसके लिए कब चुनाव होते हैं ये इसके ऊपर भी जो है वो समय लगेगा, यहाँ तक हमें आसार लग रहे हैं। आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, क्योंकि तुरंत तो अभी कोई सरपंच पंच के चुनाव के ना ही तो आसार लग रहे हैं जम्मू कश्मीर में और ना ही हमें लग रहा है कि अब होंगे, क्योंकि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव जो है एक बड़े चुनाव जो है वो आने वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है, जिस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो उनका भी टेन्योर जो है वो खत्म हो चुका है। मेयर, डिप्टी मेयर भी अब जो है वो शहरी क्षेत्र में जो है वो नहीं रहे हैं। तो उसके बाद जो है फिर वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कौन से चुनाव जो है कब किस समय पर होते हैं, एक विषय जो है ये बात की बात है। पर फिलहाल आपको बता दूं कि कल 10 जनवरी और 9 जनवरी आज के बाद आपके पास ना ही सरपंच है, ना ही पंच है, ना BDC चेयरमैन है।
अब आपको जो है वो दरवाजा खटखटाना है अगर किसी काम के लिए, तो आप लंबरदार के पास जा सकते हैं, आप डीडीसी के पास जा सकते हैं। फिलहाल बने रहे पवार से, नई अपडेट के लिए नमस्कार।